हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज सुबह हो चुकी है और मैं उठ गई हूँ और अभी जा रही हूँ फ्रेश होने। हे गाइज, गुड मॉर्निंग। सो गाइज, देखो यहाँ पे छत पे आ गई हूँ मैं थोड़ा सा धूप लेने के लिए। और ये देखो नज़ारा, सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। वैसे कपड़े सुखाने के लिए आई हूँ मैं, वहाँ पर मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, शाम को मेरे हस्बैंड धो दिए थे तो उसको मैं सुखाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। हर एक बात गाइस, रुक जाओ थोड़ी देर। तो कल मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि कल ना चुप्पी का तबीयत सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, उसको पेट में अचानक से दर्द हो गया था, तो हम लोग सब उसको हॉस्पिटल लेके गए थे तो वहीं पर टाइम हो गया। लेकिन अभी वो ठीक है, अभी वो थोड़ा सा उसको बेटर लग रहा है। हो जाता है कभी कभी जो होता है ना, क्योंकि हमारी बॉडी है भाई, शरीर है, हर टाइम एक जैसे नहीं रह सकता है। और लेडीज़ का ना जब डिलीवरी हो जाता है ना एक बार, तो उसके बाद ना लेडीज़ का जो बॉडी होता है ना वो पूरा तरीके से चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद ना ये सारी प्रॉब्लम्स ना होती रहती है। सो गाइस, एक चीज़ और, आज ना उसका बर्थडे है, उसके हर बर्थडे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। फर्स्ट उसका जब बर्थडे हुआ था तो उस टाइम में वो लोग गाँव में थे, उसके हस्बैंड के साथ उसका थोड़ा सा बहस हो गया था। सेकंड उसके बर्थडे पे इसी घर पे थे वो लोग और पुताई का काम चल रहा था उनके साइड में, और एक हम लोग के घर में आता है मेरे हस्बैंड के, मतलब और चुप्पी के हस्बैंड के भी लेबर हैं, वो काम करते हैं इनके पास। तो वो बेचारा सीढ़ी से गिर गया था, उसका हाथ टूट गया था उसी के बर्थडे के दिन। आज उसका बर्थडे है और आज गाइस चुनाव है तो सब चीज़ आज बंद है। एक्चुअली ना दीपावली के बाद से ही ना सारी चीज़ें बंद है, तो आज तो वैसे भी चुनाव है तो आज ना वैसे सब कुछ बंद है। तो उसके बर्थडे के दिन ना हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, बट फिर भी हम लोग छोटा मोटा सेलिब्रेशन तो करेंगे ही, केक वगैरह लेकर आएंगे ही और छोटा मोटा सेलिब्रेशन करेंगे। हम लोग सोच रहे थे कि कहीं बाहर जाएंगे खाने वाने के लिए, बट अभी कहाँ पॉसिबल ही नहीं है अभी तो, क्योंकि सारे होटल्स सब बंद पड़े हैं अभी। कल मैं गई थी मार्केट साइड में, कुछ सब्जी लेंगी करके, कुछ फ्रूट्स लाऊंगी करके, लेकिन कुछ नहीं मिला मेरे को उधर, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। तो गाइस, आज उसका हैप्पी बर्थडे है और हैप्पी बर्थडे सुखी, ये मेरी बेस्टी है हमेशा से, जब से हम लोगों का दोनों का शादी हुआ है। हम लोग मतलब साथ में ज़्यादा, देरानी जेठानी से सबसे ज़्यादा क्लोज ये मेरे साथ ही है और हम लोग दोनों ज़्यादा साथ में रहे हैं। लड़ाई भी हुए हैं ऐसा नहीं है, बट हाँ हम लोग क्लोज तो हैं। चाहे कुछ रहता है तो वो भी मुझसे शेयर करती है, मैं भी उससे शेयर करती हूँ और अच्छी बॉन्डिंग है हम दोनों का। तो परमेश्वर हम दोनों को ऐसी आशीष देते रहे और आप सबको भी, और मैं प्रे करती हूँ कि हम लोग अब फिर से लड़ाई वड़ाई कभी ना करें और ऐसे ही हम दोनों खुश रहें हमेशा और हमारा परिवार भी। सो गाइज, चलिए मैं अपने कपड़े सुखा लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी नीचे नाश्ते वास्ते की तैयारी करने के लिए। और ब्रश भी मैंने कर लिया है तो अब मुझे लगने लगा है भूख, क्योंकि 7:30 बजे आज 7:30 बजे उठी हूँ मैं। मेरे हस्बैंड पानी वानी सब भर दिए थे। चलिए गाइज, कपड़े सुखा लेते हैं। सो गाइज, मेरे सारे कपड़े सूख गए यहाँ पर और नीचे जा रही हूँ। तो नहीं कर रहा है क्योंकि अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन जाती हूँ नाश्ता वगैरह बनाती हूँ फिर यहीं लेके आ जाऊँगी ऊपर नाश्ता करने के लिए। सो गाइज, ब्रश करने के बाद पहले मैं पी रही हूँ नारियल पानी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मीठा है, मतलब काली पेट में मैं इसको पी रही हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है ये मुझे। तो गाइज, यहाँ पर आ गई हूँ मैं रोटी बनाने के लिए, तो जल्दी जल्दी से रोटी बना लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड गए नहाने, तो जब तक वो नहाते हैं तब तक फिर गरम गरम रोटी बन जाएगा, तो जल्दी जल्दी फिर मैं बना लेती हूँ। ज़्यादा नहीं बनाती हूँ मैं, 4-5 ही बनाती हूँ क्योंकि वो भी ज़्यादा भी खाते भी नहीं हैं, सुबह सुबह मैं ज़्यादा खिलाता भी नहीं हूँ। अभी तो 9 बज गए हैं लेकिन मेरी रोटी हमेशा अच्छी बनती है फुल। तो गाइस देखिए, मेरी रोटी भी ऑलमोस्ट बन गई है फर्स्ट रोटी, तो ऐसे ही मैं सारी रोटी जल्दी जल्दी से बना लूँगी, उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी नाश्ता करने के। देखो मेरी रोटी बन गई है, ऊपर से मैंने घी लगा दिया है और जल्दी से हम लोग नाश्ता कर लेंगे। सब्जी भी बना के रख दी हूँ, हस्बैंड नहा लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठेंगे। गाइस, हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है, तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल।